कहते हैं हालात कैसे भी हों, परिस्थितियां साथ दें या ना दें, लेकिन इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा और लगन है तो कामयाबी बेशक उनकी कदम चूमती है। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है लौकुश नगर की अदिति मिश्रा ने, जिन्होंने प्रदेश की मेरिट में गणित संकाय में 10वां स्थान प्राप्त करते हुए न सिर्फ नगर बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। देखिए खास खबर। छतरपुर के लौकुश नगर के एक सामान्य परिवार की अदिति मिश्रा, जो कि जीपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनके पिता एक अधिवक्ता थे जिनका लंबी बीमारी के चलते 2016 में निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद न सिर्फ अदिति बल्कि पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ जैसे टूट पड़ा था। इसके बावजूद अदिति ने हिम्मत नहीं हारी और ऐसे में उनके परिवार के साथ उनके दादा ने, जो कि एक रिटायर्ड क्लर्क हैं, उनका पूरा साथ दिया और अदिति ने आज प्रदेश में मेरिट प्राप्त कर एक मिसाल कायम कर दी। स्टडी सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। फिर स्टडी टीचर्स ने जो वर्क दिया वो टाइम से कंप्लीट किया और 16-17 आवर पर डे स्टडी किया, हार्ड वर्क। आगे क्या करने का उद्देश्य है? किस आगे पीएससी की प्रिपरेशन करना। एक मध्यम परिवार से हैं आप और छोटी सी उम्र में पिता का साया भी आपके सिर से उठ गया, किस तरह से दादा ने और घर के बाकी लोगों ने साथ दिया आपको? दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा अभी भी करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आप अपने जैसे और बच्चों के लिए किस क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हालात से घबरा जाते हैं या परिस्थितियों से नहीं लड़ पाते हैं और अपनी पढ़ाई नहीं ढंग से कर पाते हैं, क्या मैसेज? मैसेज यही है कि कोई चीज़ टफ नहीं होती है, बस मेहनत की ज़रूरत होती है हर चीज़ को अचीव करने के लिए। अदिति के बाबा लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, जिन्होंने हमेशा अदिति का साथ दिया और उसके हौसला अफजाई भी की। इसके अलावा अदिति के गुरजनों ने और जिस संस्था में वह अध्ययनरत है उस संस्था के प्रबंधन ने उसका पूरा साथ दिया। अदिति के बाबा आज अदिति की इस कामयाबी पर बेहद खुश हैं, लेकिन अपने बेटे को याद कर वो बिल्कुल भावुक हो जाते हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और कुछ इमोशन भी हो रहा, इसलिए कि उसका पिता ना होने से एकदम भी बदल गया सब मेरे, और तो सब ठीक है, सकते हैं सब जीवन है। लेकिन बच्ची ने वो सारी आकांक्षाएं पूरी की हैं, घर परिवार की और नगर का नाम भी रोशन किया है। नगर का नाम रोशन किया। और आपने किस तरह से मोरल सपोर्ट किया बिटिया को? मैं तो जितना बन सका उतना किया है, पेंशनर हूँ मैं तो, ऐसा कुछ नहीं है। और खासकर ये श्रेय जो है टीचरों का, गुरु जी इनको जाता है जो शुरू से पढ़ाते रहे। आगे भी बच्ची पढ़ना चाहेगी तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करूँगा, जितनी मेरी हैसियत है वो करूँगा। अदिति सामान्य परिवार के उन छात्रों के लिए एक मिसाल है जो हालातों से घबरा जाते हैं। अदिति अपनी पढ़ाई के अलावा अपने घर का काम भी करती हैं। वहीं अगर उनके गुरुजनों की बात की जाए तो वो भी अपने आप को अदिति की इस कामयाबी पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। लौकुश नगर से अनिल सक्सेना के साथ टीम बुंदेली दर्ज की। इसमें पढ़ाई की लगन बहुत अच्छी थी, क्या जी नाइट में भी कम से कम 12-13 घंटे स्टडी करती थी। इसने अपने लौकुश नगर का और प्रदेश की सूची में नाम ले आके बहुत अच्छा हमारा सम्मान, मतलब हमें सम्मान दिलाया। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इस बच्ची से।